अयोध्या की, रामलला के दर्शन करने के लिए आप जाएंगे तो आपके माथे पर अब चंदन का तिलक नहीं लगेगा। साथ ही राम भक्तों को चरणामृत देने पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। यह फैसला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया है और गर्भगृह के पुजारियों को तत्काल प्रभाव से ऐसा करने को कहा गया है। वहीं भक्तों से मिलने वाली दक्षिणा को भी पुजारी अब नहीं रख सकेंगे। आखिर यह फैसला क्यों लिया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। को चंदन तिलक नहीं लगेगा। राम मंदिर में चरणामृत नहीं बटेगा। अब दान पेटिका में जाएगी दक्षिणा। राम भक्तों के तिलक पर रोक क्यों? अयोध्या में हजारों की तादाद में रोजाना राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कभी कभी इस भीड़ की तादाद लाखों तक पहुंच जाती है। इस जन सैलाब से साफ है कि आस्था के सागर में भक्त डुबकी लगाने के लिए कितने बेताब रहते हैं। जो भक्त अब तक मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, उन्हें वहां दर्शन के दौरान मौजूद पुजारी माथे पर चंदन का तिलक लगाते थे और चरणामृत दिया करते थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब इस पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि अब से मंदिर में आने वाले भक्तों को चंदन का तिलक नहीं लगाया जाएगा। भक्तों को चरणामृत भी नहीं दिया जाएगा। पुजारी भक्तों से जो दक्षिणा लेंगे उसे अपने पास नहीं रखेंगे। भक्तों से मिली दक्षिणा को दान पेटी में डाला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इस फैसले की वजह पुजारियों की दक्षिणा को अपने पास रखने को भी माना जा रहा है, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि ट्रस्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय आम श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए लिया है। कि अब चरणामृत देने में समय बहुत लग जाता है, तो पीछे लोग लगे रहते हैं, उनको विघ्न पैदा होता है, तो जो नजर ट्रस्ट करेगा तो ठीक ही करेगा और दर्शनार्थियों के हित में करेगा, उसका पालन सबको करना चाहिए और होगा। वहीं ट्रस्ट के इस फैसले से पुजारियों में नाराजगी भी है। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस फैसले पर आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी वो मंदिर प्रशासन के फैसले के साथ दिखे। जो हो रहा है वो रामानंदी संप्रदाय के अनुसार नहीं है। कोई ऐसा विद्वान नहीं है, कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें चरणामृत न मिलता हो और चंदन भगवान से लगाया हुआ जो शेष चंदन होता है वो भक्तों को न लगाया जाता हो। जो तस्व कहता है उसको हम मानते चले आए हैं, उसके अनुसार उनका पालन करेंगे, लेकिन वस्तुतः ऐसा होना नहीं चाहिए। मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले पर वहां पहुंचे भक्तों की भी अलग अलग राय सामने आई। भीड़ को देखते हुए असंभव नहीं कि हर आदमी को टीका वहां लग पाए, हर आदमी वहां झुक पाए। मंदिर में आए हैं तो टीका तो लगना चाहिए, चरण में तो मिलना ही चाहिए, मंदिर का यही वसूल है भाई, मंदिर में आए हैं तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से भीड़ वगैरह है और सब कुछ देख के जो निर्णय लिया होगा अच्छा ही लिया होगा, जिस तरीके से लिया होगा। वहीं अगर तिलक लगाने के नियम और परंपरा की बात की जाए तो बिना स्नान किए तिलक नहीं लगाया जाता। पहले भगवान को तिलक लगाते हैं, फिर अपने माथे पर तिलक लगाया जाता है। तिलक को माथे पर भौंक के बीच लगाते हैं। हवन पूजन के समय तिलक लगाया जाता है। मंदिर में दर्शन के दौरान तिलक लगाते हैं। तिलक के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि तिलक लगाने से मन शांत होता है। राम मंदिर में भक्तों को चंदन का तिलक लगाने, चरणामृत पर लगाई गई पाबंदी और दक्षिणा को दान पेटी में ही डालने के नियम से पुजारियों में मतभेद भी नजर आया। इसकी वजह यह भी है कि दक्षिणा से पुजारियों को वेतन के अलावा अतिरिक्त आय हो जाती थी, लेकिन अब उस पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसे पुजारियों की नाराजगी की एक वजह भी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।